नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज का जो ये वीडियो है वो है लोगों की फरमाइश पे और वो है बैक पेन के ऊपर। जैसा कि अभी सब लोग घर का काम कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और रेस्ट भी नहीं कर पा रहे, यानी जिनको घर के काम करने की आदत नहीं थी और वो काम भी कर रहे हैं, या आप ये भी कह लो नॉर्मल भी हम बात करें तो बहुत लोगों को बैक की बहुत प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कोई ऐसी सिंपल एक्सरसाइज हो जिससे हम अपनी बैक को आराम दे सकें या थोड़ा ठीक कर सकें। कुछ लोगों का तो ये भी मैसेज है कि मुझे कई सालों से बैक पेन है और वो ठीक नहीं हो रहा। तो जब बैक पेन की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा पोस्चर कैसा है, क्योंकि बैक पेन हो क्यों रहा है या बैक पेन की शुरुआत हुई कहाँ से, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम अगर ध्यान देंगे अपने बॉडी की तरफ और अपने स्ट्रक्चर की तरफ कि हमारे जो शोल्डर हैं वो कैसे हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो शोल्डर हैं वो आगे की तरफ आ गए होते हैं, यानी जो हमारा पोस्चर है बॉडी का वो जब सही नहीं होता तो हमें बैक पेन शुरू हो जाता है। तो अगर हमें बैक पेन को अपने ठीक करना है तो आसन तो हैं और आसन हम करेंगे भी और देखेंगे कि हम कितनी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने बैक को हम सही रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारा पोस्चर कैसा है। जो हमारा पोस्चर है वो सीधा होना चाहिए, यानी कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी बैक स्ट्रेट हो, या जब हम वॉक कर रहे हैं, जैसे हम वॉक करते हैं और करते करते धीरे धीरे ज़मीन की तरफ देखते हैं और शोल्डर हमारे इस तरह आ जाते हैं तो हम बोल तो रहे हैं कि वाओ मैंने इतनी वॉक की इतनी देर तक, लेकिन उसमें जो हमारा पोस्चर था वो बहुत गलत हो गया था। इसको आप ये बोल सकते हो, जैसे ये होता है बैक सीधे होकर के बैठना और ये होता है ये ड्रॉप करके बैठना। आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है वो कैसे ड्रॉप हो गया, और जब इस तरह से हम बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइन है उसका एक शेप है, नॉर्मल शेप है कि वो ऐसे ऊपर से हो के आती है फिर नीचे जाके हल्का सा ट्रिल्ड हो जाती है, लेकिन जब हम इस प्रकार बैठते हैं तब हमारा पूरी बॉडी का जो वेट है वो नीचे से इस तरह से ऊपर की तरफ आने लगता, ये कर्व होने लग जाता है इस प्रकार। और जब ये होने लग जाता है, यानी कि जब हमारा पोस्चर चेंज होने लग जाता है तब हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बैक की, और जब तक हमारा पोस्चर सही नहीं होता तब तक हमें टेम्प्रेरी आराम मिलता है, यानी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा, या आप ये बोल सकते हो कि हमने कुछ मेडिसिन ले ली तो आराम मिल गया, या फिर हमने कुछ देर एक्सरसाइज कर ली, फिजियो ले लिया तो आराम मिल गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वापस आपका बैक पेन शुरू हो गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पोस्चर पे बहुत ध्यान दें कि जब भी हम बैठ रहे हैं तो अपने शोल्डर ये जो आगे ड्रॉप होता है इसको हम पीछे की तरफ लें। जब हम काम कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप पे आज सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपका लैपटॉप जो होना चाहिए वो बहुत नीचे नहीं हो, इस प्रकार आपको न झुकना पड़े, आपकी बैक जो है वो सीधी होनी चाहिए, थोड़ा सा नीचे कुछ लैपटॉप के नीचे रख लो जिससे उसकी हाइट बढ़ जाए, और जब आप काम कर रहे हो तो टेक लगा के काम कर पाओ, बैक को सपोर्ट दे पाओ अगर आपको बैक पेन है। अगर नहीं भी दे रहे हो तो ध्यान रखो कि बैक आप अपनी सीधी रखो। साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी होती है, जैसे अभी हम घर का काम कर रहे हैं और हम नॉर्मल भी अगर अपनी लाइफ को देखते हैं तो हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत है, यानी कि जब भी हम झुकते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। जैसे हमेशा कोई चीज़ हमें उठानी होती है तो हम आगे झुक के उठाएंगे, हमारी बॉडी में बैक बेंडिंग होती ही नहीं है, जो होता है वो आगे की तरफ झुकना होता है। अच्छा, जब हम चीज़ों को उठाते हैं तो हम किस प्रकार उठाते हैं तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मानो आप कोई सामान उठा रहे हो तो सामान उठाने के दो तरीके होते हैं, एक ये होता कि आप अपनी नी को हल्का सा बेंड करो और सामान को उठाओ, ठीक है, दूसरा ये आप ऐसे झुक करके उठा रहे हो। तो अगर आपको बैक में पेन रहती है और आप अगर चीज़ों को उठा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि इस प्रकार झुक के मत उठाओ। अगर आपको चीज़ों को उठाना है, कोई चीज़ लेनी है, तो हल्का सा नी को बेंड करो या किसी चीज़ का सपोर्ट लो और फिर आप उठाओ। अगर आप इस प्रकार झुक करके चीज़ें उठाओगे तो बैक पे प्रेशर कम आएगा, और ये राइट है कि आप हल्का सा बेंड होकर के उठाओ, मतलब बॉडी को बेंड नहीं करो, हल्का सा अपने थाइज़ वाले भाग को, नी वाले भाग को हल्का सा बेंड करो और फिर चीज़ों को उठाओ।
तो जब आप वॉक कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है, जब आप सो रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो बैक है वो पूरी तरह से बेड पे हो। अगर आप रात को सो रहे हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप आपकी इस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो उसके अंदर आपका हाथ नहीं जाना चाहिए। यानी आप बेड पे लेटे हो तो ऐसा नहीं कि आप हाथ लगा और ये पार्ट आपका अंदर चला गया। इसका मतलब ये वाला जो भाग है वो आपके बेड को टच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपकी बॉडी का शेप वैसा हो चुका है, मतलब रॉन्ग हो गया है आपका उठना बैठना सोना सब कुछ। तो आपको क्या करना है, जितना गैप आ रहा आप चद्दर को फोल्ड कर सकते हो, और फोल्ड करके फिर आप उसके बीच में जो गैप है उसको कम कर सकते हो हल्का सा, तो आपको बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और जो आपका पेन है उससे भी आपको धीरे धीरे रिलीफ होने लगेगा। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो अब हम जो एक्सरसाइज देखने वाले हैं वो तीन चार, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं बोलना बहुत शुरू करूँगी और एक्सरसाइज दिखाऊँगी तो इसके लिए तीन चार अभी एक्सरसाइज देखेंगे जो हम करके फटाफट बैक पेन से आराम मिल सकता है हमें। तो फोल्ड रखना है, दोनों हाथ टी शेप में रखते हैं और उसके बाद दोनों पैर, यानी दोनों ही साथ में जुड़े हों, पैर भी साथ में जुड़े हों, दोनों पैरों को राइट ड्रॉप करना है। ध्यान देना है दोनों पैर राइट हो और गर्दन लेफ्ट, हाथ को टी शेप में ही खोल के रखना है। जब आप राइट जाओगे तो लेफ्ट जो साइड है आपकी बॉडी की वहां पे स्ट्रेच होगा, वैसे ही आपको दूसरी साइड करना है अपोजिट। गर्दन हमेशा अपोजिट रखनी है, सेम ये दोनों साइड आप तीन चार राउंड कर सकते हो, चार पांच राउंड कर सकते हो। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में गैप कर देना है। गैप करने के बाद सेम यही एक्सरसाइज वापस, दोनों पैर ड्रॉप रखना है। अब दोनों पैरों के बीच में गैप है, अब राइट पैर को उठाना है और लेफ्ट थाइस पे रख के नीचे की तरफ दबाना, गर्दन अपोजिट है, सेम वैसे ही दूसरी साइड करना है। ये हो जाए फिर दोनों पैर को साथ में जोड़ देना है, वो भी चार पांच राउंड करना है। अब पैर को वापस फंसा लेना, यानी राइट पैर को मैंने लेफ्ट पैर के अंदर फंसाया, सेम यही इस प्रकार अपने कमर को खोलने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम पूरे दिन जो काम करते हैं हमारी कमर जो है वो पूरी तरह से अकड़ जाती है। तो जब इस पैर से हो जाए तब आप वापस दूसरे पैर से करोगे, सेम यही। तो ये जब आप कर लेते हो चार पांच राउंड तब आपकी कमर का भाग खुल जाता है। साथ ही साथ आपको करना ये है कि आप पैरों को सीधा कर ले वापस, और सीधा करने के बाद अब अपना राइट पैर लेफ्ट नी पे रख दें और लेफ्ट हैंड से राइट पैर की नी को पकड़े और हाथ टी शेप में रखें। अब राइट पैर को लेफ्ट साइड आप ड्रॉप करें और गर्दन आपकी राइट रहेगी। अब वैसे ही सीधे कर लें पैर नीचे, अब लेफ्ट पैर को राइट नी पे लें, राइट हैंड से लेफ्ट पैर की नी को पकड़ें और लेफ्ट हैंड टी शेप में हो। अब दूसरी साइड ड्रॉ, गर्दन अपोजिट, जितना हो सके इस भाग को खिंच के आने दें, पूरी तरह से खिंचाव आने दें, फिर सीधे हो जाए। ये भी आप तीन चार राउंड कर सकते हो, और जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि आपकी बैक थोड़ी खुलने लग गई, और जब आपकी बैक खुलने लग जाए उसके बाद आप पीछे की तरफ आ जाओ, यानी कि अपने पेट के बल पे आ जाओ। और आने के बाद आपको करना ये है कि आप दोनों हाथ चेस्ट लेवल पे लो और इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को उतना ही उठाना है जितना इस पार्ट पे प्रेशर आए, पूरा भी सीधा नहीं होना है क्योंकि हम बैक पेन कैसे जाए पहले वो देख रहे हैं। तो इस पोजिशन में आके एल्बो आप देख रहे हो कि हल्का सा बेंड है मेरा, इस प्रकार रोकना है खुद को और फिर नीचे आ जाना है, सेम यही। वापस उठना है और थोड़ी देर रोकना है जिससे प्रेशर आए इस जगह पे, फिर नीचे आ जाना है। ऐसा आप चार पांच राउंड कर सकते हो, उसके बाद आप फुल पोज में आओ भुजंगासन की और अपनी टेलबोन वाले भाग को नीचे दबाओ। तो टेलबोन वाला भाग मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको नीचे की तरफ बिठाने की कोशिश करो कि थाइस का भाग नीचे आए, टेलबोन का भाग नीचे आए। तो ये इस प्रकार आप नीचे बिठाने की कोशिश करो
अपने पेल्विस वाले भाग को दबाओ और ऊपर की तरफ देखो। पेल्विस वाला भाग हमारा ये वाला पार्ट हो गया, इसको भी नीचे दबाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, इसको भी नीचे की तरफ पुश करें और ऊपर की तरफ देखो। अब वापस ऐसे आप 4-5 राउंड कर सकते हो। जब 4-5 राउंड आप इस प्रकार कर लेते हो तब फिर और आगे की आपको एक्सरसाइज किस प्रकार करनी है, दोनों हाथ टी शेप में लेना है, दोनों पैर को पीछे से फोल्ड कर देना है, दोनों पैर राइट गर्दन लेफ्ट, सेम ऐसे ही अपोजिट। ये आपको कुछ राउंड करने हैं जिससे आपकी कमर खुल सके। ओके, अब जब आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ मिलने लग गया है, कमर मेरी खुलने लग गई है, तब आप इसके आगे और क्या कर सकते हो कि अपना राइट पैर उठाना है, राइट पैर को उठा के लेफ्ट हैंड के पास ड्रॉप करना है, वापस सीधे हो जाना है, वैसा ही दूसरा पैर उठाना है और दूसरे हाथ की तरफ टच करना है। इस प्रकार आप जो है 4-5 राउंड कर सकते हो और जब आप करोगे तो आप देखोगे कि किस प्रकार आपकी बैक जो है वो ओपन हो रही है और किस प्रकार आपको आराम मिल रहा है। तो आप अगर ये करते हो, यानी कि ये जो एक्सरसाइज बताई गई सिंपल वो करते हो, तो उसके बाद आपको रेस्ट जरूर करना है और रेस्ट करने के लिए वापस आपको दोनों पैर अपने फोल्ड कर देने हैं। करने के बाद ये वाला भाग आपकी जमीन को टच यानी मैट पे पूरी तरह से आ जाए और इस प्रकार आपको रेस्टिंग पोजिशन करनी है, यानी पैरों के बीच में गैप है और दोनों नी मेरी जुड़ी हुई है। इस प्रकार रख के एक हाथ आप अपने लेवल पे रख सकते हो, जैसे राइट हैंड मैंने अपने लेवल पे रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में रख के इस प्रकार आप 30 ब्रीदिंग यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। नॉस्ट्रल से ही सांस लेनी और जो हम सांस लें वो हमारे स्टमक तक जाए और जब सांस छोड़े तो हमारा स्टमक नीचे की तरफ आए, ले तो ऊपर की तरफ छोड़े तो नीचे की तरफ। तो 30 जो है वो हमें ब्रीदिंग करनी है और जब 30 ब्रीदिंग हो जाए तब हमें धीरे से एक पैर रखना है, फिर हमें दूसरा पैर नीचे रखना है और रखने के बाद दोनों पैरों को साथ में लेकर आना है, वापस दोनों पैर फोल्ड करना है, बॉडी को ले लेना है एक साइड, फिर हल्का सा सपोर्ट के साथ हमें उठ करके बैठना है। तो जब हम इस प्रकार छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आपको बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं बताई जा रही है, तो ये छोटी भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन सबसे ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप अपने पोश्चर की तरफ जरूर ध्यान दो। एक्सरसाइज थोड़ी कम भी करोगे तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन अगर आपने अपना पोश्चर रॉन्ग रखा तो ये एक्सरसाइज भी आपके काम नहीं आएगी। तो दोनों पे आपको ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे भी ध्यान दो और पोश्चर पे भी। थैंक यू।